दशाश्वमेध थाना के गणेश महल स्थित गेस्ट हाउस में गुरुवार को बंगलुरु निवासी श्रद्धालु का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला। कमरे से बदबू आने पर होटल संचालकों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया, साथ ही घटना की छानबीन में जुटी रही। कर्नाटक के बंगलुरु निवासी कृष्णमूर्ति पुत्र स्वर्गीय हनुमान थप्पा 19 सितंबर को वाराणसी काशी विश्वनाथ का दर्शन करने आए थे। गणेश महल स्थित गेस्ट हाउस में रुके थे। बुधवार को कमरा खाली कर वापस जाने वाले थे, लेकिन गुरुवार को भी कमरे का दरवाजा नहीं खुला। वहीं कमरे से बदबू आ रही थी। इस पर होटल वालों ने पुलिस को सूचना दी। पेंग गेस्ट हाउस के मालिक अरुण कुमार सिंह ने पुलिस को बताया कि दरवाजा अंदर से बंद है, किसी प्रकार की आहट नहीं हो पा रही है। सूचना के बाद दशाश्वमेध एसओ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने कमरा खुलवाकर देखा तो कृष्णमूर्ति का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला। पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। हमारा नाम अरुण है। अरुण जी, ये कौन व्यक्ति थे? एक कर्नाटक से थे, कृष्ण HM करके कुछ नाम था, कृष्णमूर्ति करके, और ये आए थे 19 तारीख को रात में बाबा का दर्शन करने के लिए। बताया कि एक रात रुकूंगा, चला जाऊंगा। इसके बाद कल जब ये कमरा नहीं खाली हुआ, थोड़ा डाउटफुल हुआ। आज जो है, हम लोगों ने जब दरवाजे से देखा तो बदबू आ रही है, तब हम लोगों ने पुलिस को सूचना दी।